तो वेलकम टू दिस टाइप ऑफ वीडियो। चलिए शुरू करते हैं। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। दिस इज एस्टैब्लिश्ड बाय द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट इन 1942। तो इसके बारे में क्या सारा सीन है, बेसिकली इसका जो काम है वो कोर्सेस सेल करना है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप यहाँ पर जो है कोर्सेस परचेज कर सकते हो। अलग अलग प्रकार के अलग अलग कोर्सेज है, जो कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे आपको देख सकते हो। फॉर्मली राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो इसके क्या सारा सीन है, इसके बारे में एडमिशन का क्या प्रोसेस है और कब तक इसके जो सी यूनिटी के जो एडमिशन है वो स्टार्ट हो जाएंगे। और रही बात कि भैया कौन सा कोर्स कराती है, ये संस्कृत के अंदर कोर्स कराती है क्या, राइट। सो यार इसके अंदर जो आपको काफ़ी सारे कोर्सेज यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अगर अपन यहाँ पे एकेडमिक्स के अंदर जाए तो आपको जो प्रोग्राम्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे जो है आचार्य, ठीक है, विद्यावर्ती, डिप्लोमा प्रोग्राम, सर्टिफिकेट प्रोग्राम वगैरह वगैरह के भी कोर्सेज आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। एंड अगर आप यहाँ पे जो है एडमिशन पोर्टल पे जाके जो है सारी की सारी डिटेल्स चेकआउट कर सकते हो। ओके, अगर अपन बात करें तो यार यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है। अगर मैं यहाँ के कुछ कोर्सेज की बात करूँ तो यहाँ पे जो है आपको स्पेशली यार योगा वगैरह इस पर ही टारगेट किया जाता है। लेकिन जो भी आप लोगों ने सुना होगा कि जो लोग पंडित लोग पढ़ के आए हैं, ठीक है, वो पढ़ाई यहाँ पे होती है, तो जिनको भी जया किशोरी वगैरह बनना हो तो वैसे कॉलेजेज हैं ये, ठीक है। मैं भी ज़्यादा कुछ ऐसे कॉलेजों के बारे में नहीं जानता, बिकॉज मेरे को बी ए, बी एस सी, बी टेक, एल एल बी, ठीक है, होटल मैनेजमेंट, इनका तो सबका भरा पड़ा नॉलेज। लेकिन जो ऐसे कॉलेजेस कम ही देखने को मिलते हैं, यानी कि बहुत ही कम कॉलेज हैं जहाँ पे जो आपको काफ़ी ऐसे कोर्सेज देखने को मिलते हैं। सो जस्ट यू कैन चेक इट आउट, अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है और अगर आपने अप्लाई किया था सी यू टी के पोर्टल पे, देन यार काफ़ी इंटरेस्टिंग यूनिवर्सिटी। आप अगर इसकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी विजिट करते हैं तो वहाँ पर देख सकते हो आचार्य धर्म एंड भाई साहब, इतने सारे बच्चे यहाँ पे बैठे हैं। इसका मतलब बच्चों के अंदर करेज तो है स्पेशली ऐसे ऐसे कोर्सेज का, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे शास्त्री, जैसे एक इसके अंदर जैसे बहुत सारे प्रोग्राम है, ठीक है, जैसे मैंने शास्त्री पे क्लिक किया है यहाँ पे, ठीक है। जैसे शास्त्री के अंदर भी बहुत सारे कोर्सेज निकल के आ जाते हैं, ठीक है, जैसे डिस्टेंस मोड के अंदर शंकराचार्य हो गया, मीमांसा हो गया, ठीक है, जस्ट लाइक मैनी मैनी, बस ऐसे नाम भी पढ़ पाना बहुत मुश्किल होता है गाइस, संस्कृत के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। देन आचार्य हो गया, आचार्य के अंदर मैनी मैनी कोर्सेज आ जाते हैं। ओके, सो जस्ट ये ब्राह्मण लोग ज़्यादा करते हैं आप, ठीक है, तो क्योंकि जस्ट हमारे, ठीक है, गुजरात के अंदर बेसिकली वो होता है पूजा वगैरह करवाते हैं, ठीक है, कृष्ण जी भगवान के भजन वगैरह, या फिर आपने जया किशोरी जी का नाम सुना होगा, संत बाबा जी का नाम सुना होगा, तो वो जो भी बोलते हैं हमारे रामायण वगैरह, या फिर स्पेशली जो संस्कृत लैंग्वेज वगैरह होती है, वैसे जो कोर्सेज होते हैं वो ऐसे कॉलेजों के अंदर कराए जाते हैं। डिप्लोमा कोर्सेज भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, योगा वगैरह के, वेदांता, आयुर्वेदा वगैरह, और सर्टिफिकेट प्रोग्राम के कोर्सेज भी कराए जाते हैं, जो कि काफ़ी मतलब कम डेट के कोर्स होते हैं और काफ़ी रीजनेबल प्राइस के अंदर आपको मिल जाते हैं, बिकॉज दिस इज एन सेंट्रल यूनिवर्सिटी और डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी। तो इस प्रकार से गाइस स्कूल पढ़ते रहो और देखते रहो क्या सेंट्रल यूनिवर्सिटियों का सारा सीन है। सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एडमिशन जल्दी स्टार्ट हो रहे होंगे, तो आप सभी लोग खूब पढ़ते रहिए। अगर आपको जस्ट किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है, अगर आपके सी ओ टी में कम मार्क्स है, तो आप जस्ट हेल्प ले सकते हैं इंजीनियरिंग वाला सर्विसेज की, जिसके अंदर हमारी टीम फुल हेल्प करती है आपको टू गेट द एडमिशन एंड प्रोवाइड द एडमिशन स्पेशली इन कॉलेजेस। ओके गाइज, थैंक यू सो मच, खूब पढ़ते रहो यार, छोटों से प्यार करो, बड़ों का सम्मान, धन्यवाद, ठीक है।